अच्छा, जो आप जब आप आंसर दो तो बहुत सोच समझ के देना, ठीक है? क्योंकि अगर आपने एक बार आंसर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में आप फिर उसको दोबारा से सबमिट नहीं कर सकोगे। सनाया उलिया क्या है? ये किसको आता है? ठीक जी मुझे आता है। शनाया है, बताओ। उलिया क्या है? ऊपर वाले दो दांत। खड़ा जबर खिंचता है, ये किसको खड़ा जबर खींचता है। जी मुझे अलिफ आता है। के बराबर, जिसको आता है ना, सिर्फ रेज हैंड करो, ऐसे तो फिर मिक्स हो जाएगा सबके पास। मुफरदात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आता है? मुझे रमशा रमशा और किसी को आता है? जी। और इन दो के अलावा इन्होंने आंसर कर दिया। और किसी को आता है रामी और रमशा के अलावा? अलग अलग चलो रमशा, आप बताओ। अलग हुल्फों को कहते हैं। नेक्स्ट, हरकात को पढ़े कैसे? किस किस को आता है? मारू पर जी को मारू कैसे पढ़े? जी। मारू पड़े मधुर आवाज से बजाया जाए तो इसमें आएगा प्रूफ हल्की है। ठीक मारू जी। मैं बताऊं सिक्स है, और किसी को नहीं आता क्या इन तीनों के अलावा? पढ़ा तो आप सबने है ना? हरकत जबर से पेश जब दे यार ऐसे का मखरज। जबान के नाम किस किस को आता है तो का मखरज, से मेरे को बताओ आफिया। सेकंड वाला जबान जब सुनाया उलिया से लगे, और जी। कोई लास्ट वाला है लास्ट वाला बताओ। ठीक, और कोई बताओ। हाँ। देखो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्या पूछा आपने? तो का मखरज, ये स्क्रीन पे है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। तो जबान जब सनाया उलिया का जड़ती है तो जब आप निकलता आंसर है। करो ना, तो आप सबको वो याद रखना है जो आपने क्लास में पढ़ा, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। जैसे आपने बताया जबान, सेकंड वाला, जबान जब सनाया उलिया से लगी, तो एक प्रॉपर आंसर नहीं है इसमें, और भी प्रॉपर आंसर है। पहला जबान वाला की तो नोक जबान की नोक जब ऊपर के दांतों की जड़ से लगे। ऊपर के दांतों को सनाया उलिया ही कहते हैं, लेकिन इसमें सनाया जी उलिया नहीं दिया, लेकिन प्रॉपर आंसर फर्स्ट वाला जी है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कंफ्यूजिंग, और आपको पता है मुफ्ती गुल कैसा पेपर बनाएंगे, जैसे वो पढ़ाते हैं ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो मैंने खुद बनाया था, सिर्फ आपकी, आपको दिखाने के लिए। अच्छा, आपको जब सबमिट करना है तो ये जो सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स है, इस पे पहले उसको ऑन कर देना है, फिर सबमिट करना है, ठीक है? और यहाँ पर जी ईमेल रिक्वायर्ड है, तो बता दो। और एक चीज और, इसमें तो मैंने नहीं ऐड किया है, लेकिन जो आपका टेस्ट होगा ना, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका नाम होगा, तो वो वाला नाम डालना है जो आपने अपनी फॉर्म में डाला जो भी स्पेलिंग जैसे भी डाला था ना आप, मतलब फॉर्म में इस तरीके से, और फिर आपको जी लास्ट में सबमिट कर देना है।
जी जी टेस्ट सबमिट करना तो आपको समझ आ गया होगा। आधिकारिक से एक बार ये ऊपर से बताना फॉर्म सबमिट करने का बस। अच्छा एक मिनट, मुझे दूसरी जीमेल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर ईमेल पूछेगा, आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना, ठीक है? जो भी आपका वैलिड ईमेल है उसको डालना है। फिर सारे आपको आंसर यहाँ पर करने हैं। आंसर जी करने के बाद में लास्ट में या स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन होगा आपके नेम का, आपको आपने अपना नाम डाल देना है, ठीक जी है? और एक चीज मैंने अभी बताई थी कि एक नीचे ऑप्शन होगा सेंड मी ए कॉपी ऑफ रेस्पॉन्स, तो उसको अलाउ कर देना है। मैं दोबारा से इसको सबमिट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें लिमिट है। हम एक जी क्वेश्चन एक बार ही जो है सबमिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे आपको उसको रेस्पॉन्स को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आपको अपना नाम जो डालोगे वो नाम होना चाहिए जो आपने जी अपने फॉर्म भरते टाइम डाला था, जी ठीक है? जी ठीक है। जी चलिए तो अब पहले हम थोड़ा सा नूरानी कायदा पढ़ लेते हैं। नूरानी कायदे में मखरज वाला जो आपका टॉपिक है वो ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी मुस्तकबिल आपको क्लास में करा ही देंगे। जी मुझे कोई सेंड करना जिसमें मखरज है। ग्रुप में सेंड करना पर्सनल नहीं, पर्सनली सेंड करूंगा। करूँ क्या? एक मिनट करती हूँ। और जो आपका उर्दू में सिलेबस है वो आपका उर्दू के कायदे में से आने वाला है, पहली किताब में से थोड़ा बहुत ओरल। मोस्टली उर्दू का कायदा ही है आपका, उर्दू की पहली किताब जो है उसमें से थोड़ा सा है। न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू का कायदा है सिर्फ, और जो पुराने हैं उनके लिए उर्दू की पहली किताब ही है। और तालीमुल इंशा की जो किताब है वो भी मुझे जरा पर्सनली सेंड कर दीजिए कोई। मैंने कर दिया है अभी सेंड आपको। के लिए वैसे तो आपको उसके सामने वो फोटो सेंड किए हुए हैं, इसके अलावा आप इधर से भी पढ़ सकते हैं हरदोई वाली फाइलों से। तख्ती नंबर एक तो सभी को आती है, दूसरा दांत अलग अलग हर्षों को दूसरा दांत कहते हैं, तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अलग अलग हर्षों को क्या कहा जाता है, दूसरा दांत कहा जाता है। लेकिन जी इसमें से तख्ती नंबर एक में से जो मेन चीज आने वाली है वो मखरज है।
जो हमारे सामने के दो दांत हैं इनको क्या कहा जाता है? सुनाओ रिया। और इन्हीं के नीचे वाले जो सामने वाले दो दांत हैं इनको क्या कहा जाता है? सुनाओ स्नायु शुक्ला। फिर स्नायु उलिया के बराबर में जो मिले हुए दो दांत हैं राइट और लेफ्ट में इनको क्या कहा जाता है? रबाड़ी। ये जो स्नायु उलिया से मिले हुए दो दांत हैं ये वाले इनको कहा जाता है रबाड़ी। और फिर इनसे जो मिले हुए दो दांत हैं इनको कहा जाता है अन्याप। जी। ठीक। आती का वैसे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? 20 क्वेश्चन से टोटल, 20। ठीक 20 क्वेश्चन हैं आपके एमसीक्यू में, 20 ही आपके जो है रिटेन वाले हैं, शॉर्ट आंसर है उसमें, वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है। ठीक है। और ओरल में भी आपके ऑलमोस्ट 20 ही है। रिटर्न वाले में जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें लिमिट है टाइम की? टाइम लिमिट किसी में भी ठीक है। क्योंकि हर किसी की स्पीड अच्छी नहीं होती ना इतनी। जी अच्छा हाँ, एक चीज और, अब आप ये सोचोगे कि कोई चीटिंग भी कर सकता है ना, तो एग्जाम आपका मैं ले रही हूँ तो इसमें आपको अपना फेस छुपाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो आप अपना कैमरा ऑन करोगे, आपकी वीडियो ऑन होगी, ओरल भी ऐसे होगा और रिटन भी आपका ऐसे होगा। जी ठीक ठीक है। फिर है प्रूफ हल्की। प्रूफ हल्की कितनी होती है? है। सिक्स। सिक्स होती है। कौन कौन सी? हमजा हा ऐन खा। वहीन खा। हा जी। हमारे जो हलक है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, हमारे हलक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। पहला है अदना हलक, दूसरे को नाम दिया वसत हलक और तीसरे को नाम दिया अदना हलक। क्लियर है इतना? जो अदना हलक है, अदना हलक हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, इधर देखो, जो इतना पार्ट है आपका इसको नाम दिया अदना हलक। ठीक है। जी। फिर जो हलक का दरमियानी हिस्सा होगा आपका, जो हलक का ये दरमियानी हिस्सा जो होगा आपका उसको नाम दिया वसत हलक। ठीक है। और जो फिर हिस्सा आपका नीचे सीने की तरफ वाला हिस्सा बचा उसको नाम दिया अक्सा हलक। क्लियर है। जी अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हरूफ हल्की कितनी है, दूसरा पूछ सकता है कि हलक कितनी किस्में हैं, हलक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीसरा आपसे पूछ सकता है कि अदना हलक किस तरफ है, वसत हलक किस तरफ है या अक्सा हलक किस तरफ है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अक्सा हलक से कौन कौन से मखरज निकलते हैं, वसत हलक से कौन से मखरज निकलते हैं, अदना हलक से कौन से मखरज निकलते हैं। तो जो हुरूफ हल्की वाला पार्ट है इससे आपके ये पांच छह क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अक्सा हलक से हमजा और हा निकलता है, वसत हलक से ऐन और हा निकलता है, और अदना हलक से गैन और खा निकलता है। क्लियर है इतना? जी। फिर है कॉफ और काफ, मखरज नंबर 5। जबान की जड़ जब कौवे, इसको कौवा बोलते हैं ना हमारी जबान में, जबान की जड़ जब कौवे के करीब से नर्म तालू से लगे तो इससे कॉफ अदा होता है। बोल के देखिए, कॉफ बड़ा कॉफ, जब उसको सही तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे तो हमारा जो कौवा है वो हमारी जबान के नर्म वाले पार्ट से लगेगा जब सही प्रोनाउंस होगा, कॉफ। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कॉफ का मखरज क्या है, या ये पूछ सकता है जब जबान की जड़ कौवे के नरम हिस्से से लगती है तो कौन सा मखरज अदा होता है। ठीक है। और जब जी बड़े कॉफ की जगह से जरा सी नीचे हट जाए
हमारी जबान तो का अदा होता है। मखरज आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मखरज में जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना, वो बहुत घुमा फिरा के आएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है मखरज वाला पार्ट ही होगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। मखरज नंबर 11 है, जबान के किनारे की कोश्ठ जब ऊपर वाले तीन दांतों के मसूड़ों से लगे, उससे रा अदा होता है। अदा करके देखिए, आपको पता चलेगा, जी। है ना। तो जो हमारी रा है वो कैसे अदा होगी, जब जबान के किनारे की पुष्ट हमारे ऊपर वाले मसूड़ों से लगे। सबसे ज्यादा जो मखरज पूछा जाता है, ता दाल और तो का ही पूछा जाता है। जबान की नोक जब ऊपर सामने वाले दांतों की जड़ से लगे, यानी सनाया उलिया की जड़ से लगे, तब ता दाल और तो अदा होते हैं। ठीक है, फिर है सा दाल और गौ। जबान की नोक जब ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगे, सिरा किसको कहते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट है सनाया उलिया की, जब सिरे से लगेगी तब सा दाल और गौ अदा होंगे। सा सीन और स्वाद, जबान की नोक से जब ऊपर नीचे के अगले दोनों दांत आपस में मिले, तो उससे जा सीन और स्वाद अदा होगा। या ऐसे भी आ सकता है कि रबाई के मिलने से, सनाया उलिया सनाया सुफला के मिलने से कौन से मखरज अदा होते हैं, जा सीन स्वाद। ऊपर वाले दो दांतों का सिरा और नीचे के होंठ का अंदर अंदरूनी हिस्सा, इससे फा अदा होता है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ पढ़ने के बचे हैं, और जो समझने का था वो मैंने समझा दिया, आप इसको खुद पढ़ लेना। इमरा आपके पास है ये, इमरा मेरा आपके पास ये फोटो है, नहीं ये नहीं है। चलिए मैं सेंड कर दूंगी इसको ग्रुप पे, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, जी ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपका स्टार्टिंग का ही आना है, सिर्फ दो तीन चैप्टर बस, इसमें ज्यादा नहीं दे रहे मुफ्ती साहब नए बच्चों की वजह से, और पुरानों को भी इसमें इतना ज्यादा नहीं आया है इसलिए। चलो मुझे कौन बताएगा हाजा का रूल, पहले पहचान रूल सब कुछ मैं एवरीथिंग बताऊं, बताओ। हाजा जो होता है वो मुजक्कर के लिए यूज होता है, और इसका मीनिंग होता है दिस, और कोई भी चीज करीब होती है ना उसके लिए यूज करते हैं। और कोई एक्सप्लेन करो। इसमें इशारा है और ये मुजक्कर के लिए यूज होता है, और जो करीब है उसके लिए यूज होता है। कोई हाजा जिसमें मुजक्कर और गोलता ना हो उसमें यूज होते हैं। मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान कौन बताएगा, मैं बताऊं, मैं बताऊं, पहले आप ये मुजक्कर बताओ वो फिर मुजक्कर अमशा बताओ। जिसमें गोलता ना हो और मुअन्नस जिसमें लास्ट में गोलता हो। अमशा बताओ। जी, जिसके आखिर में गोलता होगा तो उसके उसको मुअन्नस बोलेंगे, जिसके आखिर में गोलता नहीं होगा उसको मुज़क्कर बोलेंगे। लेकिन ये रूल 90% होता है, 10% में कुछ अलग हर्फ होते हैं। हमजा और या का है वो रूल, अभी पढ़ा नहीं है। वो अभी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन ये जो जी, रूल है ये 90% होता है। 90% होता है। जी चलो अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जब जी कोई चीज हमारे करीब में है और वो मेल मुजक्कर है, मुजक्कर कहते हैं मेल को, मुअन्नस कहते हैं फीमेल को। मेल और फीमेल की अरबी में पहचान कैसे होगी, 90% रूल है ये, कि अगर गोलता, गोलता क्या होता है बना के दिखा देती हूँ, इसे कहते हैं ना गोलता, ऐसे होता है, जी ऐसे होता है। तो जिसके आखिर में गोलता होता है वो मुअन्नस होता है, यानी फीमेल होता है। ठीक है, अरेबिक में इसको हिजाब भी बोला जाता है, गोलता को जी हिजाब भी बोला जाता है। औरत की पहचान क्या है, हिजाब, तो गोलता को अरेबिक में हिजाब भी बोला जाता है।
तो जिसके लास्ट में बोलता होता है वो फीमेल होता है यानी मुअन्नस होता है, जिसके लास्ट में बोलता नहीं होता वो मुजक्कर होता है यानी मेल होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो जब हम मुजक्कर के लिए यानी कि मेल के लिए और वो हमारे करीब में है उसके तरफ इशारा करके हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये दिस, हाजा के मायने है दिस उर्दू में ये। जैसे मस्जिद, मस्जिद मुझे नजर आ रही है, मैं उसकी तरफ इशारा करके कह रही हूँ ये मस्जिद है, तो ये के लिए क्या लगेगा, हाजा। मस्जिद के लिए अरबी होती है मस्जिदुन, तो हाजा मस्जिदुन। ठीक है। जैसे नेक्स्ट लिखा है आपका कलम, तो मेरे सामने कलम है, मुजक्कर है, मैं उसकी तरफ इशारा करके कह रही हूँ ये कलम है, तो ये की इंग्लिश आई, सॉरी ये की अरबी आई हाजा, और कलम की कलम, हाजा कलम। ठीक है जी, आ गया सबको? ये जो वर्ड मीनिंग से ये याद कर लेना, आपके अरबी में रूल से ज्यादा वर्ड मीनिंग भी आने वाले हैं। जालिका कौन बताएगा? जी मैं बताऊं, रक्षा एक्सप्लेन करो। जालिका का मतलब है वो, दैट के लिए कोई चीज दूर होती है, बाई बोलते हैं उसको, अगर कोई चीज की तरफ हमें इशारा करना है और वो चीज दूर है तो उसके लिए जालिका यूज करेंगे मुझे। ठीक है। और कोई? जालिका दूर के लिए यूज करते हैं, मुजक्कर के लिए यूज करते हैं, जो चीज दूर होती है और मुजक्कर है उसके लिए जालिका यूज करेंगे। और जालिका दूर के लिए यूज करते हैं और मेल के लिए आता है जालिका, मीन्स वो। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। हाजा करीब के लिए आता है और जालिका दूर के लिए आता है। जब कोई चीज हमारे पास रखी है, बात दोनों हाजा और जालिका दोनों मेल की चल रही है, जब हमारे पास में कोई चीज रखी है तो हाजा बोलेंगे, जब उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं। अच्छा, जब कोई चीज दूर हो जाती है तो उसको क्या कह दिया जाता है, वो, है ना। जब पास में होती है तो ये बोल देते हैं और जब दूर होती है तो वो बोलते हैं, तो जब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दूर है वो के लिए बोला जाएगा जालिका। जैसे वो मस्जिद है जालिका मस्जिद, वो कलम है जालिका कलम। ठीक है। वो किताब है जालिका किताबन। इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, दैट इज अ बुक, दैट इज अ पेन, दैट इज अ क्या बोला था मैंने, मस्जिद, दैट इज अ मस्क। ठीक है, जी दोनों चीज क्लियर हो गई? जी ठीक जी है। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हाजा के माना, हाजा किसके लिए यूज होता है, मुजक्कर की पहचान, मुअन्नस की पहचान, और सबसे ज्यादा जो आने वाली है वो है वर्ड मीनिंग। जैसे किताब की मीनिंग, किताब को अरबी में बनाओ, या कलम, कलम उनको उर्दू में बनाओ, इस तरीके से। ऐसे जालिका में पूछेगा जालिका किसके लिए यूज होता है, कब यूज होता है। ठीक। आतिका, ये हमें नोटबुक्स में लिखना होगा, अपने एग्जाम जो हम देंगे, टेस्ट जो देंगे, या फिर हम नहीं फोन नहीं में लिखना? जो मैंने अभी आपको क्विजलेट दिखाया था, जी जैसे वो इसमें मार्क करना था, ऐसे तो ही आंसर आंसर भी ऐसे ही टाइप करना होगा। इंग्लिश में ना, आंसर इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। ये आपके मुफ्ती साहब आपको बताएंगे, उनसे मैं पूछ के आपको बता दूंगी। अगर क्वेश्चन आपको उर्दू में पूछा है तो उर्दू में बताना है, और अरबी में उसमें उर्दू में इंग्लिश में है तो टाइपिंग, इंग्लिश में बताना है। उर्दू में टाइपिंग करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है हाजा प्लस हाजी ही। हाजी ही कौन बताएगा, सिर्फ रेज हैंड करनी है, बताइए मैं कौन बताऊं बताएगा। जी, हाजी जो होता है वो मुअन्नस के लिए यूज होता है, और कोई चीज के लिए हम जब इशारा करते हैं वो चीज पास है तो उसके लिए हाजी ही यूज होता है, और मुअन्नस के लिए। कोई? एग्जाम्पल जैसे डाउल है तो हाजी पास के लिए यूज होता है और मोनस के लिए यूज होता है। जी और कोई?
यही यही पता है, मुअन्नस के लिए यूज होता है और करीब के लिए यूज होता ठीक है। हाजा और हाजी को एक साथ लेते हैं, ठीक है। हाजा यूज हुआ मेल के लिए, तो हाजी किसके लिए यूज हुआ? फीमेल के है मेल लिए। के लिए। हाजा यूज हुआ पास के लिए और हाजी भी यूज हुआ पास के लिए, दोनों पास के लिए हैं, बस फर्क इतना है हाजा किसके लिए है? मेल के लिए, और हाजी किसके लिए है? फीमेल के लिए। ठीक है न्यू स्टूडेंट्स, अगर आपको डाउट है तो पूछिए। या समझ आ गया? ये तिलका कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताऊं? बताओ, थोड़ा सा हमेशा बता दो, थोड़ा सा आपने बता दो। तिलका जो होता है वो के लिए यूज होता है डैड के लिए, और ये होता है फीमेल के लिए, मतलब मुअन्नस के लिए। आफिया, ये मोनस करीब के लिए यूज होता है और दूर दूर के लिए भी। ये दूर के लिए होता है, करीब के लिए नहीं। हाँ दूर के लिए। चलो मैं बताती हूँ। हाजा किसके लिए था? मुजक्कर, करीब। मुझे हाजी किसके लिए था? मुअन्नस, करीब। पढ़ी ठीक है। जालिका किसके लिए था? मुजक्कर, बड़ी। मुझे बाई तिलका किसके लिए है? मुअन्नस, बड़ी। बाई यानी जो रूल हमने जालिका के लिए पढ़ा वही सेम तिलका के लिए है, बस जालिका किसके लिए था? मेल के लिए, मुजक्कर के लिए, और तिलका फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए। क्लियर है? जी। नए बच्चों को भी क्लियर जी है? ठीक है, जिसने वर्ड मीनिंग याद नहीं किया है ना, साथ ही कर लेना जितने भी हैं इसमें, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके देख लेना। चलो माँ हाजा कौन बताएगा? मैं पूछती हूँ। राबिया, माँ यूज होता है क्वेश्चन के लिए, जैसे किसी के बारे में पूछना होगा ये क्या है। सलमा ठीक। सलमा, माँ के मायना क्या है, मीनिंग क्या है माँ क्या का? सलमान चलो अब बताओ कि कौन बताएगा डेफिनेशन, एक एक्सेप्ट डेफिनेशन। जो माँ होता है ना वो व्हाट, इसका मीनिंग होता है व्हाट। और ये जब क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना तो उसके लिए यूज होता है कि ये क्या है, ये वो क्या है, इन सब के लिए माँ स्टार्टिंग में माँ लगाते हैं। ठीक है। इमरा हुमैरा, आपके पास सारी बुक्स जी हैं? इमरा आपके पास हैं बुक सारी? ठीक जी है। है। हाँ और कौन बताएगा मुझे महाजा? आफिया बताओ, जी बताओ माँ के बारे में। माजा ये क्वेश्चन के लिए यूज होता है, पूछने के लिए। माँ का मतलब व्हाट होता है। ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। माँ के माना होते हैं क्या, जब कोई क्वेश्चन पूछना होता है कि ये क्या है वो क्या है, फीमेल के लिए ये क्या है वो क्या है, तब माँ यूज करते हैं। ठीक है, हाजा से, जालिका से, तिलका, इनसे पहले माँ लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हाजा क्या था? ये है। हाजा से पहले माँ लगा दिया तो ये क्या है। जालिका क्या था? ये क्या है, वो क्या है? मेल के लिए, से पहले माँ का लगा दिया तो वो क्या है? मेल के लिए। ठीक है, माँ लगाना मतलब कि उसको क्वेश्चन वाला बना देना है। यहाँ तक शायद आई। चलो बताओ मन कौन बताएगा? कौन बताएगा मन? जी ये मन मन हा मन जो लगाते हैं ये इसका मतलब होता है हु कौन। तो ये गैर जबिल चीज होती है ना, गैर जबिल वेपन्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये उसके उसमें यूज होता है। जी कौन बताएगा, कौन करेक्ट करेगा? मैं बताऊं? अच्छा हाँ लिविंग थिंग्स के लिए। जबूल जबील
क्या कहते हैं, जवीलू पूल के लिए है, लिविंग लिविंग बींग्स के लिए, ओनली फॉर ह्यूमंस। मन होता है वो ह्यूमंस के लिए यूज होता है, और जो मा यूज होता है वो ह्यूमंस को छोड़ के जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए यूज होता है, वो गैर जवीलू पूल होता है। वेरी गुड। देखो, अगर कोई हमारे सामने इंसान खड़ा है ना, तो उसको पूछेंगे तो ये थोड़ी कह देंगे ये क्या है। इंसान को ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है? तो इंसान के लिए हम क्या की बजाय कौन यूज करते हैं ना, ये कौन है। तो ये जो मन है ये इंसानों के लिए लगता है, क्योंकि इंसानों को ये तो नहीं कह सकते ये क्या है, तो माँ तो नहीं कह सकते ना उनको। तो इसलिए जैसे उर्दू में क्या को कन्वर्ट कौन में कर दिया कि ये कौन है, ऐसे ही माँ को कन्वर्ट कर दिया मन में। मन के माना होते हैं कौन। ठीक है, ये सवाल के लिए आता है। जैसे ये कौन है तो माँ, वो कौन है माँ जालिका मातिका। क्लियर है? जी जमील उकूद और गैर जमील उकूद में डिफरेंस समझो। जमील उकूद लिविंग और गैर जमील उकूद नॉन लिविंग। इतना ही आएगा। अगर आपका स्लेप रिवीजन जो है ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा आ जाएगा, वरना इतना ही आएगा। जी ठीक, छुट्टियां हो गई थी तो इसलिए थोड़ा मेरे को, मेरा बहुत सारा रहा हुआ है कायदे में। फायदा तो शायद सभी का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, रमशा और सलमा का छोड़ के, है ना। सभी की हाँ क्लासेस हाँ मिस मेरा भी है हुई कायदा में से। है। अरबी कायदा मोस्टली सबका ही मिसिंग है, रमशा सलमा का छोड़ के। इन्होंने तो क्लास ली, सलमा ने नहीं, राबिया ने। चलिए, अगर मुफ्ती साहब स्टार्ट करा देते हैं आज से तो फिर आप उनसे पढ़ लीजिए, अगर नहीं कराते हैं तो फिर मैं करा दूंगी। ठीक है, जो आपका सिलेबस रह गया है वो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वो आपका कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, बाकी ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारी है, बस वो मिड अगस्त से सितंबर वाली थोड़ी सी मिस है, और सैटरडे की नहीं होती है। अब अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया और होगा कैसे भी बता दिया, कौन ले जाएगा बता दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए। अरबिक में कितना एक आएगा हार्दिका? करके लाइव बताइए। अरबिक में कितना आएगा वैसे मैक्सिमम चैप्टर हमारे? 6 7 एंड है आपके, जितना आज मैंने रिवीजन करा दिया इतना ही आना है वैसे। और अगर जैसे आपको 15 दिन 16 दिन मिले हैं आपको, तो जब मुफ्ती साहब रिवीजन कराएंगे तो उसमें अगर आपका ज्यादा हो जाता है रिवीजन तो फिर इतना आएगा आपका, जितना आपका रिवीजन मुफ्ती साहब करा देंगे। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपका ये 15 16 दिन में रिवीजन होगा बस वही आना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जी ठीक है। ठीक हाँ, मुझे एक चीज याद आ गई, बताओ जी। रमशा बताइए। है जी। इसमें पता है वो है जिसे बिना किसी वर्ड को जोड़े माना समझ आ जाते हैं जिसके, जैसे कि आपने क्या कोई पूछा था? मैंने नाउन पूछा होता इसका क्या है। नाउन होता है ना, तो जैसे उसको किसी भी, जैसे कि किसी पर्टिकुलर का नेम लेंगे हम, जैसे रमशा या मतलब हकीबतुन लाइक, कैसे तो मतलब हमें समझ आ रहा है कि वो बैग है, तो किसी वर्ड को जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको इसमें कहेंगे, इसमें इशारा। फेल ठीक है, फिर वर्ब होती है ना, है हर्फ। हर्फ वो होता है जैसे दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ नहीं आते, उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और कोई मेरे से और कोई भी बताए। है। बात मुझे भी क्लास में।
बताओ कोई। और चलो फील्ड में ये देखो, भी था कि मतलब जमाने पाए जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब। क्या बोला आपने? फील्ड जो होता है ना वर्ब, उसमें ना जमाने पाए जाते हैं, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा। इसके अलावा कोई और बताए। चलो, रमशा ने जो बताया वो आपको समझ आया? ठीक जी आ गया। है। इस्म में आती है हमारी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो होती है, सब इस्म के अंदर आती है। ठीक है, उसमें आपको एक नाउन देगा या प्रोनाउन देगा, फिर वो आपसे पूछेगा ये क्या है, इस्म है, फेल है या हर्फ है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है किसी का नाम देके, जैसे रजुलुन, तो रजुलुन क्या है, इस्म है, फेल है, हर्फ है, क्या है रजुलुन? इसमें इस्म है, क्योंकि एक नाम है, नाउन है, जो इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, किसी से जुड़ी भी नहीं होती, किसी टाइम से जुड़ी नहीं होती, वो इस्म होती है। हमारी जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं, वो सब इस्म के अंदर आएंगी। फेल आपकी वर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल कतबा। कतबा के मायने क्या है? कताबा तो आपने बहुत बार कताबा, ये तो नहीं, याद कताबा शायद ही हमने पढ़ा नहीं है। होगा ऐसा तो ही नहीं सकता। ही रोट कताबा, उसने लिखा। जिसने लिखा ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कताबा। चले कोई नहीं। जराबा, जराबा की मीनिंग क्या है? जिसने मारा। उसने मारा, हाँ जिसने नहीं, उसने मारा, उस ही। उसने तो मारा। ये सब क्या है? आपकी फेल है, वर्ब है, जो एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, लेकिन टाइम से जुड़ी हुई है, या तो माजी में होगी, हाल में होगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी ना किसी में वो होगी, क्योंकि वर्ब तो होती है किसी ना किसी चीज में। तो जब वो किसी टाइम से जुड़ी हो, माजी में हो, हाल में हो, या किसी में भी हो, जिस भी टाइम से जुड़ी हुई है वो, तो वो फेल है, वर्ब है। हर्फ की कोई एक एक मीनिंग हम उसको नहीं दे सकते कि एक उसको पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाए, लेकिन जब वो दो चीजों को जोड़ता है आपस में, जैसे फी, इन, अला, ऑन या वा, और से हम जब किसी चीज को जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे हर्फ के अंदर आते हैं। समझ आ गया? जी आदि का ये भी आएंगे क्वेश्चन अरबिक में। ये ऐसे आएंगे कि कोई नाम दिया है आपको, जैसे किसी का नाम दिया है, रमशा नाम दिया है आपको, अब आपसे पूछेगा ये इस्म है, फेल है या हर्फ है, तो आपको बताना है। तो आपको अगर रूल पता है, आपको डेफिनेशन पता है, तो आप बता सकते हो। तो रमशा क्या आएगा, इस्म में आएगा, फेल में आएगा, हर्फ में आएगा, किस में आएगा? रमशा आएगा इस्म में आएगा, क्योंकि एक नाम है, नाम नाउन होता है, तो वो इस्म में आएगा। जैसे आपको बोला जराबा, करा, ये दिया आपको, करा मतलब उसने पढ़ा, तो करा आपको दिया, अब आपसे पूछेगा ये इस्म है या फेल है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, तो क्या है करा? अब आपसे पूछेगा फी, तो फी क्या है? हर्फ हर्फ। है। ये सेंटेंस दे सकता है, उसके नीचे अंडरलाइन होगी, फिर वो पूछेगा कि ये वर्ड क्या है। हाँ, क्या कोई सेंटेंस दे सकता है आपको या कोई फ्रेज दे सकता है, ठीक है, और फिर पूछेगा कि इसमें क्या है, अंडरलाइन करके पूछ सकता है। जैसे किताबु ज़ैदीन आपको एक फ्रेज दिया, एक छोटा सा, किताबु ज़ैदीन में ज़ैदीन के नीचे अंडरलाइन है, अब आपसे पूछेगा ज़ैदीन क्या है, तो क्या है ज़ैदीन? नाम है, इसमें इसमें है, ठीक है। अल बैतुल जमीलु ज़ैदीन, अब इसमें जमील के नीचे आपकी अंडरलाइन है, तो ये जमील क्या है? इसमें
इसमें है। अच्छा इसमें क्यों है? क्योंकि एक नाम है, नाउन नहीं ये तो उसकी क्वालिटी है ना, जमील और खूबसूरत। है। हाँ इसलिए है। अच्छा क्योंकि ये अच्छा उसकी तो ये क्वालिटी। उसकी क्वालिटी जालिका किताबुन। तो अभी किताबुन क्या है? है। किताबुन आ ये इसमें ठीक है। और जालिका किताबुन पूरा क्या है? ये फेल। फेल है। आपको कोई आयत दे सकता है? इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक। अभी इकरा क्या है? इसमें इसमें ठीक है। लफ्ज क्या होता है? अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। ठीक है। जी लफ्ज क्या है? जी लफ्ज क्या है? बताए कोई? जी मतलब क्वेश्चन ये कि लफ्ज क्या है? अच्छा किसको बोलते हैं लफ्ज? जो बात इंसान के मुंह से निकले उसको लफ्ज हाँ कहते वर्ड। बात इंसान के मुंह से निकले उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? दो लफ्ज दो किस्में, फर्स्ट वर्ड कौन को सी? मुब्तदा और सेकंड वर्ड खबर। ये आपके सेंटेंस की पार्ट बताती है मुझे। मैंने आपसे पूछी है लफ्ज की किस्में। लोग इसमें हैं लफ्ज मौजू और लफ्ज मुफरद। आपने पढ़ लिया हाँ ना? हाँ हाँ ये पढ़ लिया। जी पढ़ा? अभी चल रहा है क्या? निकल पढ़ चुके क्या? पढ़ चुके हैं या पूरा? जी हाँ ये ये पढ़ पढ़ चुके। चुके हाँ तो मौजू क्या है? सलमान आज बताइए। मौजू किसको पता है मौजू क्या है? मुझे, मैं बताऊं, बताओ। मौजू वो है जिसके माना होते हैं, जैसे कि स्वीट वगैरह ऐसे बोलेंगे। स्वीट तो इसके माना है मीठा, मतलब मोहम्मल वो होता है जिसके माना नहीं होते, जैसे कि पीला वीला, जैसे वीला तो कुछ नहीं है ना वर्ड इस टाइप। बोला जो मानेदार हो जैसे कि जैद, तो वो हो गया एक मौजू मीनिंगफुल वर्ड। और जो मीनिंगलेस है जैसे जैद का उल्टा जैद वैद बोलते थे, तो जो वैद यहाँ पे आया ये मुहम्मल है क्योंकि इसका कोई मोहम्मद मीनिंग नहीं है। ठीक है। तो जी की भी किस्में होती हैं पढ़ चुके? जी पढ़ ली। अच्छा कितनी किस्में होती हैं मौसम की? मौजू की किस्में? मुहम्मल तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मायने ही नहीं है, इसकी तो किस्में होंगी नहीं। वही लेकिन तो मौसम तो मानेदार है ना, तो इसकी तो किस्में होंगी। जी, मौजू की भी दो दो रिकॉर्डिंग चल रही है? जी चल रही है। हाँ तो बताएं मुझे सर। इसकी दो किस्में हैं, कौन सी? मुक्तदा और खबर। मैंने बताया कि सेंटेंस की पार्ट है मुब्तदा और खबर। से पार्ट है मुफरिद सब्जेक्ट मुब्तदा, और सब्जेक्ट कलिमा। मुफरिद मुफरद और और कलिमा, मुरक्कब। कलीमा नहीं मुरक्कब। हाँ मुफरद को ही जी कलीमा कहा जाता है। मुफरद और जी मुरक्कब, या तो कहो कलीमा मुरक्कब या कहो मुफरद मुरक्कब। मुफरिद मुफरद क्या है? सिर्फ एक वर्ड में बताना, एक वर्ड में, क्योंकि एमसीक्यू एक वर्ड का ही होगा, तो एक वर्ड में बताना मुफरद क्या है। कलमुन। वो तो इसका नाम हो गया, सिनोनियम है तो। एक मुफरद को हम कलीमा भी कहते हैं।
एक वर्ड में हम मुफरद को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन तो होती है वो अलग है, लेकिन एक वर्ड में हम मुफरद को कैसे डिफाइन करेंगे? मानादार वर्ड, वो सिंगल, एक लफ्ज में जब हम कहेंगे सिंगल, वो एक अकेला लफ्ज, मुफरत के अंदर एक अकेला लफ्ज ही तो आता है, वो अकेला लफ्ज। मानेदार तो है ही क्योंकि वो मौजू का टाइप है। मुरक्कब जी। को, इंग्लिश में ही बता दो जाए, जैसे मुफरत को मैंने सिंगल बताया, मीनिंग बताई अकेला लफ्ज, तो ऐसे ही मुरक्कब को बता दो एक लफ्ज में, चाहे इंग्लिश में बता दो। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब किस टाइप से बताएं। मुरक्कब, चलो मुरक्कब का मीनिंग क्या है बताओ, मुरक्कब का बताओ। मीनिंग क्या है? वर्ड्स या कंपाउंड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे दो वर्ड मिलाकर पढ़ेंगे। फ्रेज और सेंटेंसेस होंगे तो मुरक्कब होगा। मुरक्कब के अंदर फ्रेजेस और सेंटेंसेस आते हैं, और मुफरद के अंदर सिर्फ एक सिंगल वर्ड आता है। इस्म, फेल और हर्फ, तीन किस्में होती हैं, ये तीनों मुफरद के अंदर आते हैं। जो इस्म क्या है, सिर्फ एक सिंगल है ना, सिंगल वर्ड आता है इस्म के अंदर। क्या आता है? किसी का नाम आता है या किसी की क्वालिटी आती है, तो सिर्फ एक ही वर्ड तो होता है, नाम रमशा, एक सिंगल वर्ड ही अच्छा हाँ जी है। रमशा नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड है ना, तो ये जी मुफरद के अंदर आता है। मैं कहूँ जी रमशा पढ़ रही है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, रमशा की किताब, ये एक फ्रेज हो गया है ना। जी तो मुरक्कब सेंटेंसेस और फ्रेजेस किसके अंदर आते हैं? मुरक्कब के अंदर। के अंदर। एक वर्ड में मुफरद को बोलेंगे सिंगल, एक वर्ड में मुरक्कब को बोलेंगे कंपाउंड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समझ आ गया? आप जी जितना पढ़ा रही हूँ समझ तो आ रहा है सबको? हाँ लफ्ज हो गया, लफ्ज की दो किस्में हो गई, मौजू और मुहमल। मौजू की किस्में हो गई मुफरद और मुरक्कब। अब आती है मुफरद की किस्में, तो मुफरद की तीन किस्में होती हैं, कौन कौन सी हैं बताइए। 10 हो गए। इतना लेट कौन ज्वाइन हुआ है? अनाम कहाँ थी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हेलो। मैसेज कर दो, मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बताइए, अच्छा मुफरत की किस्में कौन बताएगा? क्या मुफरत की किस्में कौन बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताई थी आपको मुफरत की किस्में, मुरक्कब इस्म फेल हर्फ की किस्में, मुरक्कब जी। की किस्में, मुरक्कब वो सेंटेंस हो गया। मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब बगैर मुफीद। आपने कितना इसमें पढ़ लिया मुझे बताओ पहले, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवीजन कराऊंगी। कितना पढ़ा है आपने इसमें? जी पढ़ाया था कि मुफरत की तीन किस्म होती हैं, इसमें फैल हर। लास्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ा है इसमें? फिर इतना ही रिवीजन कराती हूँ ना मैं। हाँ बस इतना ही लास्ट था इसमें तो, मतलब बस जी बस। मुरक्कब की कितनी किस्में होती है? दो, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफैद, मुरक्कब दोबारा बताना। मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला या फिर कलाम भी कहते हैं, जुमला या कलाम भी कहते हैं मुरक्कब मुफीद, और दूसरी है मुरक्कब गैर आपकी मुफीद। वॉइस ना बस स्लो है तो मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ माइक बहुत दुख वॉइस लग रहा है, बहुत बहुत स्लो स्लो है।
आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आप बताएं आप कैसे आ रही है? वैसे तो ठीक है, बस थोड़ी स्लो है। पहले ठीक आ रही थी क्या? जी ठीक आ रही है। अब ठीक है? ठीक ठीक है ठीक है। है। हाँ तो मैं कहाँ थी? मुरक्कब मुरक्कब की किस्में। की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला या फिर कलाम भी कहते हैं, जुमला या कलाम भी कहते हैं, ठीक है? और मुरक्कब गैर मुफीद इसका दूसरा पार्ट, ठीक है? अच्छा वैसे ये नहीं पढ़ा था हमने, जो अपने आप ही बताया ना। किसमें नहीं पढ़ी आपने? नहीं ये नहीं पढ़ी है अभी। आदि को मैंने तो यहाँ तक पढ़ाई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूंगी बात। मेरी तो सिर्फ जो एक्सरसाइज है ना, चैप्टर चैप्टर 9 8 चैप्टर 8 9 जो है ना, वहां तक हुआ है बस। आतिका ये वाली चीजें ना मौलाना जी ने काफी बाद लास्ट में बताई थी, वो तो बस सबक में जो पढ़ाया था ना वो बस हाजा हाजी इतना ही था। हाँ ये चीजें ना लास्ट में या तो स्टार्टिंग में बता दी जाती थी या लास्ट में बता दी जाती है, जी तो ये बेसिक नॉलेज होती है ये। बच्चों की बहुत क्लास इसमें ली नहीं है, तो किसी का मे भी किसी का लिख रहा हो या किसी ने पढ़ा हो। हाँ मैंने ये हाँ क्लास रिकॉर्ड की है ना, तो आप लिख लेना बाद में रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है? क्योंकि लिखवाऊंगी तो जी बहुत टाइम हो जाएगा। रिकॉर्ड लेक्चर से तो नोट्स जी बना लेना, ठीक है? और ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, रहता ये है ना? चीजें भी आएंगी, मतलब इतने आगे तक आएगा टेस्ट में। ये चीजें तो बेसिक नॉलेज है, तो ये बेसिक नॉलेज तो आते ही है। इस्म फेल मौजू मुफरद इस सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो या तो स्टार्टिंग में बता दी जाती है या लास्ट में बता दी जाती है। अब तो जितने स्टूडेंट हैं पूरे 10 है ना, तो मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर जी देती हूँ, तो आप नोट्स बना लेना रिकॉर्डिंग देख के, और अभी फिर सुन लो, बेहतर है? जी जी ठीक है, तो लफ्ज से शुरू कर रही हूँ मैं। लफ्ज क्या है? जो बात इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, बात तो सबको पता होती है, राइट? वर्ड्स को क्या बोलते हैं? लफ्ज। अब लफ्ज की दो किस्में होती हैं, एक होती है मौजू, एक होती है मुहमल। मौजू कहते हैं मानेदार लफ्ज को, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, जिसका कोई माना हो, मीनिंगफुल जो वर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है मौजू, ठीक है? जैसे जैद, तो जैद का एक मतलब है, एक नाम है, तो ये क्या हुआ? मौसू हुआ। मुहमल क्या है? जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जैसे हम कहते हैं जैद वैद, तो जैद तो बोला वो तो मौसू हुआ, मतलब है, लेकिन जो वैद बोला इसका तो कोई मतलब नहीं है, जैद का उल्टा है बिल्कुल वैद, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या है? मुहमल है। समझ आ गया? जैसे हमने बोला पीला पीला, तो पीला क्या है? पीला एक कलर है, इसका मतलब हमें पता है, तो पीला मौसू है, और पीला जो आपने बोला उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है बिल्कुल। तो जो बेमाना लफ्ज है वो होता है मुहमल। अब मोहम्मद। क्योंकि मुहमल एक बेमाना लफ्ज है, तो इसकी तो कोई किस्में होंगी ही नहीं, जी है ना? क्योंकि इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो जब बेमतलब है तो उसकी किस्में क्यों होगी? लेकिन जो मौजू है वो एक मतलब वाला हर्फ है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो उसकी दो किस्में हैं। सबसे पहले आया लफ्ज, लफ्ज की दो किस्में मौजू और मुहमल। मुहम्मल बिल्कुल बेमाना है, इसलिए उसकी कोई किस्म नहीं है। मौजू की दो किस्में होती है, मुफरद और मुरक्कब। मुरक्कब। एक सेकंड, ठीक है जी। मुफरद और मुरक्कब, मुफरद के अंदर क्या आएगा? सिंगल सिंगल वर्ड्स, जितने भी सिंगल सिंगल वर्ड्स होंगे, एक अकेला मानेदार लफ्ज है मुफरद, जिसके अंदर जैसे किसी का नाम, किसी की क्वालिटी, यानी कि जो हमारी इस्म फेल और हर्फ की कैटेगरी है ना, सिंगल सिंगल है, ये मुफरद के अंदर है। अगर डेफिनेशन की बात करूं, क्वेश्चन आंसर में क्या लिखना है, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा कि मुफरद क्या है? वो अकेला लफ्ज है जो एक माने पर दलालत करे और उसको कलमा भी कहते हैं, जैसे रजुल मर्द, ये एक अकेला है और एक माने पर दलालत करता है। तो ये डेफिनेशन
आप लिख लेना, हमारे जब हमने पढ़ा था ना मदरसे में तो ऐसे ही याद कराई थी, पूरी डेफिनेशन ऐसे ही लिख लेना, नोट कर लेना और ऐसे ही याद कर लेना, और जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर भी ऐसे ही देना है, वेरी शॉर्ट में आएगा, ठीक है? जी रिकॉर्ड लेक्चर में से नोट कर लेना देख के। वैसे समझा देती हूँ कि जो सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं जैसे रमशा, सारिया, सारिया कह रही हूँ, सलमा, राबिया, लाइबा, इकरा, ये सबके एक सिंगल सिंगल नाम है ना, जी तो ये सिंगल सिंगल नाम मुफरद कहलाते हैं, मुफरद के अंदर आते हैं। और अब मैं कह दूं लाइबा पढ़ रही है तो एक सेंटेंस हो गया, रमशा का फोन तो एक फ्रेज हो गया, है ना? फ्रेज क्या होता है, जो बात कंप्लीट ना हुई हो अभी बाकी हो, सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस को फ्रेज बोला जाता है। तो सेंटेंसेस और फ्रेज आते हैं मौजू के दूसरे पार्ट, मुरक्कब के अंदर। क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है तो पूछो, हो गया क्लियर। सबको क्लियर हो गया, जी समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, जी तो लफ्ज के दो पार्ट्स पढ़ लिए, मौजू मुहम्मल, अब मौजू के दो पार्ट्स पढ़ लिए, मुफरत मुरक्कब। अब मुफरत के दो पार्ट्स हैं, नहीं मुफरत के तीन पार्ट्स हैं, सॉरी, मुफरत के तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से, क्या क्या आने चाहिए बताओ, वगैरह बताओ। इसमें हर ठीक है, इस्म फ़ैल और हर्फ, और मुरक्कब के भी दो पार्ट्स है, क्योंकि मुरक्कब भी एक मानेदार है तो उसके भी पार्ट्स हैं। मुरक्कब के दो पार्ट्स हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद, जी ठीक है? मुरक्कब मुफीद का नाम जुमला या फिर कलमा, कलाम भी कह देते हैं। जुमला किसको बोलते हैं, सेंटेंस को, जी कलाम किसको कहते हैं, सेंटेंस को, फ्रेज को, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मुरक्कब मुफीद को कलाम या जुमला भी हम कह सकते हैं। मुफरद को और किस नाम से बोलते हैं, कलीमा, किसको क्या कलीमा बोलते हैं, कलीमा। कलीमा कलीमा का ही जो प्लूरल है वो है कलाम, तो कलीमा सिंगल सिंगुलर मुफरद, और कलीमा का प्लूरल कलाम, और वो प्लूरल क्या है, मुरक्कब। क्लियर हो गया? जी हो गया। जी ठीक है, मुफरत के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं, इस्म फेल जी और हर्फ। बताना मुरक्कब जी, मुरक्कब की डेफिनेशन। की डेफिनेशन वो अभी आपने कहाँ पढ़ी है, अभी मुरक्कब? जो आई मुफ्फद और मुरक्कब। अच्छा, ये तो पार्ट्स थे, डेफिनेशन नहीं थी, ये पार्ट्स थे। मुरक्कब के अच्छा दो पार्ट्स होते हैं, एक मुरक्कब मुफीद होता है, दूसरा पार्ट होता है मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे मुफरत वो अकेला लफ्ज है जो माने बताए। अच्छा, ऐसे मुरक्कब जी के अंदर जुमले और कलाम, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए आएगी भी नहीं, तो लिखना भी जरूरी नहीं है। वैसे मुरक्कब वो कलाम है जिसके अंदर जुमले आते हैं, हर्फों के मिले हुए लफ्ज आते हैं, लफ्जों का जो है कंपाउंड, लफ्जों का जो ग्रुप आता है, ग्रुप को क्या बोलेंगे हम उर्दू में, क्या बोलेंगे उर्दू में, आतिका वॉइस बहुत ज्यादा स्लो है। जी चलिए 1 मिनट रुकिए, ठीक है, मैं वॉइस चेक करूँ क्या हुआ। आप बताएं अब कैसी है, अब सही है। ठीक है? चलिए, तो मैं क्या बता रही थी, मुरक्कब, मुरक्कब में ऐसे लिख सकते हैं, मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा कलिमों से मिलकर बने, जैसे अल कुरान महफूज, कुरान महफूज है तो इसमें कितने हर्फ आए, एक कुरान आया, एक महफूज आया और एक है आया, इसके अंदर तीन हर्फ आए, तीन कलीमे आए, तो तीन कलीमों से मिलके बना एक मुरक्कब। डेफिनेशन क्या लिखोगे, मुरक्कब दो या दो से जी वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा कलीमों से मिलकर बने, जैसे अल कुरान महफूज, कुरान महफूज है, ठीक है? वैसे अभी आपने पढ़ी नहीं है डेफिनेशन, तो आएगी।
तो मैं बता रही थी मुफरत के पार्ट्स, तीन पार्ट इस्म, फेल और हर्फ, ये तीनों आपने पढ़ लिए। इस्म के पार्ट होते हैं, पढ़ लिए पार्ट इस्म के। जामिया इस्म के पार्ट मुस्तर मुश्तफड़े, नहीं, क्या एक बात बार बताना। जामिया मुस्तर पढ़े हैं आपने? नहीं ये नहीं पढ़े, नहीं ये नहीं पढ़े, फ़ाइल के पार्ट्स, माजी मुजारे अम्र नहीं, ये नहीं नहीं पढ़े? अभी नहीं। ठीक है, तो फिर इतना ही पढ़ाया। अब अगर आपको कोई डाउट है जितना हमने पढ़ा तो आप पूछ लीजिए। एक बार गैर मुफीद बता दीजिए। मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद बताना जी है। मुरक्कब गैर मुफीद के अंदर आते हैं जो एक नॉन बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि फ्रेजेस, जैसे मैंने बोला रमशा की किताब, ठीक है, मैंने बोला रमशा की किताब, मैंने ये तो नहीं बताया। अब आप इंतजार करोगे रमशा की किताब अच्छी है बुरी है कैसी है, पूरी बात नहीं बताई ना मैंने, सिर्फ जी मैंने इतना कह दिया कि रमशा की किताब। अब आप वेट कर रहे हो कि मैं आगे भी बताऊं आपको कि आखिर क्या है रमशा की किताब। तो ये एक फ्रेज हो गया जिसमें बात कंप्लीट ना बताई गई हो, वो मुरक्कब गैर मुफीद होता है। जी मैं बोलूं जैद आलिम है तो यहाँ पे मैंने पूरी बात बता दी कि जैद आलिम है ना, या मैं बोलूं रमशा की किताब अच्छी है तो यहाँ मैंने पूरी बात बता दी ना। अब आपको इंतजार नहीं करना कि रमशा की किताब कैसी है, अच्छी है, बता दी पूरी बात, तो ये एक जुमला हो गया। और अगर मैंने इतना ही कहा कि रमशा की किताब, तो मैंने अभी आपको पूरी नॉलेज पूरी जानकारी नहीं दी रमशा की किताब के बारे में। अब आप मुंतजर हो कि आगे क्या है रमशा की किताब, राइट? जब जी पूरी आपको पूरी नॉलेज ना मिली हो उसके बारे में और आप मुंतजर हो कि आगे खबर क्या है, वो मुरक्कब गैर मुफीद है। समझ आ गया? ठीक जी और है, और कुछ आपको पूछना है किसी को? मुरक्कब मुरक्कबे मुफीद क्या था? मुफीद वो था जिसमें आपको पूरी खबर मालूम हो गई हो, जिसमें आपको पूरी बात पता चल गई। जैसे क्या मैंने एग्जांपल लिया था रमशा की किताब, तो रमशा की किताब अच्छी है, यहाँ पे मैंने पूरी खबर आपको बता दी, पूरी जानकारी आपको दे दी है ना। आपको उर्दू में जी लिखना खबर है तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी खबर दे दी कि रमशा की किताब अच्छी है, एक सेंटेंस हो गया, तो मैंने पूरा जुमला कहा, इसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद। और जब बात अधूरी रह जाए तो मुरक्कब गैर मुफीद। जी ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं और तो कुछ नहीं पूछना। किसी और को कुछ पूछना है? आज शाम को क्लास होगी? जी होगी, उसी टाइम पर होगी, 7 बजे होती है, 7:15 बजे उसी टाइम पर होती है। ठीक एंड है कर जी दूं मीटिंग? कर दीजिए। ठीक है, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी उसी पर जिस पे और रिकॉर्डिंग्स होती हैं सारी, अपना वाली, तो वहां से ले लीजिएगा। जी ठीक है।